डियर स्टूडेंट्स, डिग्री क्लॉज में इसके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने वो सेंटेंसेस लिए हैं, वो भी तीन प्रकार के। कौन से तीन प्रकार के हमने लिए हैं कि जिसमें पहले में तो देखिए मोहन इज द टालेस्ट बॉय, दूसरे में क्या आ रहा है अशोक बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहां पे क्या है सबसे ज्यादा, मोहन इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, कक्षा में सबसे ज्यादा लंबा, उसकी बराबरी का कोई नहीं है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, अशोका बाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया, माने भारत के महान शासकों में से एक, सबसे ज्यादा जो महान है, माने कुछ लोग होंगे उनमें से एक, सबसे ज्यादा महान नहीं बताया, सबसे ज्यादा महान कुछ लोग हैं उनमें से एक, ठीक है। और यहां पे क्या कहा है कि रामलाल सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्टूडेंट्स में थे, रामलाल इज नॉट द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो रामलाल सबसे बुद्धिमान छात्रों में से, वो सॉरी मोहन सबसे, आई एम सॉरी सॉरी बेटा, रामलाल सबसे ज्यादा बुद्धिमान छात्रों में, सभी छात्रों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, क्लियर, रामलाल सभी छात्रों से ज्यादा या सबसे सब छात्रों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। यहां पे भी अर्थ निकलता है, यहां पे तो अशोका जैसे कुछ कम लोग हैं, कुछ कम लोग, यहां पे रामलाल जैसे कुछ और भी हैं, हमें व्यवहार में देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये थ्री प्रकार के मैंने, तीन तरह से मैंने डिग्रीज ये लिए हैं, इसमें इनको पॉजिटिव और कंपेरेटिव में किस किस तरह से बदलते हैं वो हम देखते हैं, क्लियर। देखिए तो ये तीन कंडीशंस बनती हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं, मैंने शुरू में भी चर्चा की थी इस बात पे कि जिनकी सुपरलेटिव डिग्री बनती नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इसमें तो केवल वो सेंटेंस देख रहे हैं हम। तो इसमें ये देखते हैं, इनको हम भूल ना जाएं, कभी हम इसको इससे बना देते हैं, कभी इसको इससे, कभी इसको इससे। तो द बेस्ट वे टू रिमेंबर देम इज वी मग अप द थ्री द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री सेंटेंस इन ईच सेट, हर सेट में तीन तीन एग्जाम्पल्स हैं, तीन तीन सेंटेंसेस हैं, उनको हम मगअप कर लें। इसीलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे नाम मोहन रखा है, तो यहाँ पे अशोका नाम रखा है, तो यहाँ पे रामलाल रखा है, जिससे एग्जाम्पल्स में कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंड थिंग इज दैट हमने एडजेक्टिव भी चेंज किया, यहाँ टाल लिया है, टालेस्ट जो भी है, यहाँ पे ग्रेट लिया है और यहाँ पे वाइज लिया है, क्लियर, सो दैट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। यहाँ पे हमने बॉय लिया है, यहाँ पे रूलर लिया है, रूलर मीन्स किंग्स, शासक, और यहां पे हमने स्टूडेंट लिया है, तो उनमें सेंटेंसेस में आपस में कोई कंफ्यूजन ना हो, केवल इतनी सी बात है। इनको हम इजी मेमोरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं, देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा किसमें है, सुपरलेटिव में, किसमें है सुपरलेटिव में, सेकंड किसमें है कंपैरेटिव में, और थर्ड किसमें है पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा है बेटा, डिग्री यहां पे सब में आप मान के चलें इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब इनको इसी तरह से सब में ऐसे सीक्वेंस जो लिया है वो सेम है, ठीक है, इसमें लिख देते हैं सुपरलेटिव, इसमें कंपैरेटिव और इसमें पॉजिटिव, इसी तरह से इसमें है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और इसमें पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से सबको लिया गया है। इनके इजी मेमोरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक टेबल बना सकते हैं, उस टेबल को 5 to 6 to 8 टाइम्स हम उसको बना सकते हैं, जैसे कि देखिए इसमें तीन तीन ग्रुप हैं दोनों में, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें कौन सी है कंपैरेटिव, ठीक है, और इसमें कौन सी है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में तो हम जानते ही हैं, सुपरलेटिव में तो द बेस्ट की कंडीशन आती है हमेशा, दा लगता है साथ में, इसमें एज, ओ सॉरी कंपैरेटिव में बेटर देन मोर देन इस तरह से आता है, ये चीज बताने की जरूरत मैं नहीं समझता, इसको बच्चे जानते हैं, और पॉजिटिव में एज गुड एज या सो गुड एज इस रूप में आता है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं। टेंशन की बात ये है, यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या कहा, देखिए अब लाइन पकड़ते हैं हम, क्या पकड़ते हैं लाइन, फर्स्ट एग्जांपल में क्या कहा, द टालेस्ट बॉय, द टालेस्ट बॉय,
इसको कंपैरेटिव में हम चेंज कैसे करेंगे, मोर देन तो आ ही जाएगा, एनी अदर बॉय या ऑल अदर बॉयज, ठीक है। इसमें तो देन के बाद लगाएंगे ये चीजें, किसके बाद, देन के बाद, ठीक है, मोर देन के बाद, ठीक, इस तरह से। और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा जाकर के, नो अदर बॉयज, आल के साथ में या प्लूरल आएगा, आल अदर बॉयज और एनी अदर बॉय, ये ध्यान रखना। इसमें क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय, एक ग्रुप तो हमारा ये निपट गया, ये फर्स्ट वाला, इसको इजी मेमोरेशन के लिए, और एग्जांपल भी थोड़े से बाई हार्ट कर लेना, कंफ्यूजन मिटाने के लिए ये जरूरी है। अब इन चीजों का सेंटेंस में यूज कैसे होता है, ये अपने आप में एक अलग चीज होगी, इसलिए आपको ये सेंटेंस तो तैयार करने ही होंगे लिख करके। फिर इसको देखते हैं, इसमें क्या लिया था, यहां पे द टॉलेस्ट था, यहां पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे अच्छे लोगों में से एक, तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब रूलर्स है, बॉयज है, वो कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो जो भी होगा नाउन वो अपने में आ जाएगा। उसकी कंपेरेटिव डिग्री में क्या आ जाता है, मोस्ट अदर रूलर्स, यहाँ पे मोस्ट देख लेना, मोस्ट यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में आया है, यहाँ पे ये डिग्री बनाने के लिए नहीं आया है, समझ में आ गई बात, क्योंकि डिग्री बनाने के लिए अगर ये मोस्ट आता एडवर्ब के रूप में तो यहाँ द जरूर लगा होता। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि मोस्ट देख करके, अब ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता या मोस्ट ब्यूटीफुल होता तब हम मान लेते सुपरलेटिव डिग्री है, डिग्री तो यहाँ से हो रही है ग्रेटर देन, और वैसे भी डिग्री एडजेक्टिव से डिसाइड होती है, अन्य चीज़ों से डिसाइड नहीं होती है। तो इसको किससे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, किसको किस में चेंज किया, मोस्ट अदर में, किस में किया, मोस्ट अदर में, नाउन तो जो भी है वो रहेगा। चलो यहाँ पर नाउन भी ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर्स, क्योंकि वन ऑफ द, वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ के बाद में हमेशा जानते हो प्लूरल नाउन आता है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो भले ही वो आ जाए, नहीं तो प्लूरल ही रहता है। इसमें कंपेरेटिव में क्या आ जाएगा, मोस्ट अदर रूलर्स, देखिए इसको, मोस्ट अदर रूलर्स, और पॉजिटिव में क्या चला जाएगा, वेरी फ्यू रूलर्स, क्या चला जाएगा, वेरी फ्यू रूलर्स, देख लीजिए इसमें, फ्यू रूलर्स, ठीक है। अच्छा अब आता है थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में क्या है, देखिए हम देखते हैं इसको, नोट द बाइजेस्ट, यहां पे क्या था, टॉलेस्ट, यानी अगर अपन एक डिग्री बेस्ट लेके चलें तो यहाँ पे क्या था, द बेस्ट, यहाँ वन ऑफ द बेस्ट था, यहाँ नॉट द बेस्ट है, तो तीनों में कंडीशंस अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा जो सेपरेट कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री है उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें हम केवल इतना ही देख रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसको, नॉट द बेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम अदर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स। इसकी कंपेरेटिव डिग्री में दूसरे ऑप्शन भी अपने सामने हैं, लेकिन उनको मैं इस वीडियो में, आपको कंफ्यूज ना हो जाए केवल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। देखिए तो सुपरलेटिव में क्या आएगा, नॉट द वाइजेस्ट ठीक है, नॉट द वाइजेस्ट। कंपेरेटिव में क्या हो जाएगा, सम अदर, सम अदर स्टूडेंट्स। अच्छा यहां पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है द टॉलेस्ट बॉय, यहां पे क्या होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, तो यहां पे हो जाएगा नॉट द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द, इस तरह से आ जाएगा, तो वो उतने में समझ लें क्योंकि जगह भी नहीं है, तो लिख देते नॉट द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, इस तरह से, ठीक है, यहां से लिया है नॉट द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ये इतना लिया है सम अदर स्टूडेंट्स, और इसमें क्या आ जाएगा, सम स्टूडेंट्स, और एक चीज इसमें और जुड़ जाती है, एट लीस्ट, क्या जुड़ जाती है, एट लीस्ट, ये ध्यान रखना है इसको, तो इसको किस में बदलेंगे, सम स्टूडेंट्स
और डॉट 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 एट लीस्ट डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इनको हम समझ सकते हैं। क्लियर? अब इसमें आपने देखा होगा यहां पे ये एज इज ब्रैकेट में लिखी है, यहां पे ये वॉज ब्रैकेट में लिखी है, यहां पे फिर एज लिखी है। तो ये क्या होता है, जब हम यहां पे देखो ये सब्जेक्ट की जगह पे नो अदर बॉय रखा है, उसकी हम मोइन से कंपेरिजन कर रहे हैं, मीन्स हम यहां ये बताना चाह रहे हैं इज लगा करके। वैसे वो इज वहां होती है, आप लगा दें या हटा दें, क्योंकि यहां पे अन्य कोई नाउन तो है नहीं जिससे हम मोहन का कंपेरिजन कर सकें, तो आप एज हटा भी देते हैं तो भी कंपेरिजन नो अदर बॉय से ही आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पे ऑब्जेक्ट कोई होता इस तरह का सेंटेंस, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे भी नेक्स्ट वीडियोस में, अगर यहां ऑब्जेक्ट कोई होता तो कंफ्यूजन हो जाता कि मोहन का कंपेरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है कि ऑब्जेक्ट से हो रहा है। इन दैट केस अगर यहां पे वर्ब नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट से मान लिया जाएगा कंपेरिजन, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर यहां पे वर्ब है तो फिर ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए अब ये सेंटेंस ऐसा क्लियर है, आप लगाओ ना लगाओ इसका हमेशा सब्जेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि कंपेरिजन सब्जेक्ट से है। इन द सेम वे ऑल द थ्री सेंटेंसेस 1, 2 and 3 द सेम सिचुएशन अराइजेस। ठीक है, देखें इनको, करें, प्रैक्टिस की बात है, रूल्स तो हमेशा भूल जाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले ये एग्जाम्पल्स लिखें, पहले ये ग्रुप, इस ग्रुप को आप 4, 5, 4, 5 टाइम्स इसको लिख के देख लें, उसके बाद 4, 5 टाइम्स इसको लिख के देखें, इन तीनों को एक साथ, फिर 4, 5 टाइम्स इसको देखें। ऐसा ना करें कि सिंगल टाइम तीनों ग्रुप को एक साथ लिख लें, फिर दूसरी बार तीनों ग्रुप को लिख लें, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। एक एक ग्रुप को 5-5 टाइम्स, 6-6 टाइम्स आप लिख के देखते जाएं। डिग्री तो आप पहचान ही लेंगे, टाल एस लगा है तो सुपरलेटिव है, टालर देन है तो कंपेरेटिव है, और टाल अकेला लगा हुआ है तो पॉजिटिव है। इस तरह से सब में हम देख सकते हैं। सेंस की कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी आप देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। और थैंक यू।